नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस में जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आया था, जिसकी वजह से इसमें 6% का अपसाइड रहा। बाद में गिरावट होकर कितने में क्लोजिंग हुआ था, 0.7% का जाकर क्लोजिंग देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम पर बताओ ना, तो बहुत ही अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरह से अभी आपको ना 7,000 के रेट पे एक तरह से देखने को मिल रही है, मगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा? कि देखो, इनका ना मेन मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस यही है ना, लोन प्रोवाइड करना। तो लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था, मगर अब वो रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया था वो हटा दिया गया। उसके साथ साथ ये जो ना इंस्टेंट ईएमआई कार्ड जो ऑनलाइन डिजिटली प्रोवाइड करते थे, उसको भी चालू कर दिया गया है। और ये कब बैन किया गया था? 17 नवंबर 2023 को बैन किया गया था। इसको कब हटाया गया? तो 2 मई को हटाया गया था, जो कि 3 तारीख के दिन इसमें 6% का रैली देखने को मिला। तो ये रैली जो है ना, अभी कंटिन्यू हमको देखने को मिल सकती है। बीच बीच में अभी जो है गिरावट हुआ है और निफ्टी की वजह से रहा, मगर ना ये अगर देखो मेन बिजनेस समझो, आप सब बिजनेस अगर समझ रहे हो तो फिर स्टॉक में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आपको सपोर्ट एरिया क्या रहना चाहिए? तो 6,700 हमारा एक सपोर्ट एरिया रहेगा, क्योंकि देखो 7,000 का स्टॉक है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट है ना, मामूली बात होती है इसके गिरावट गिरने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए ना, कितना 7,300 से गिरावट कितने पे हुई, 6,900 पे, 400 पॉइंट तक का गिरावट है। तो आपको ना 200 पॉइंट तक का एक सपोर्ट एरिया रखना चाहिए। और आगे का पहला एक रेजिस्टेंस है वो है 7,412, जिसको इस बार टच कर दिया था, कल के दिन टच भी कर दिया था मगर गिरावट हो गया। बराबर ना? तो रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो पहला टारगेट है 7,400, दूसरा टारगेट जो रहेगा ना वो है 7,800 रुपये तक का देखने को मिल सकती है, सपोर्ट एरिया 6,700 तक का। भाई से लोग को रिकमेंडेशन ही है, जय हिंद।